sa ni sa re ga re ni sa 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 ni sa re ga re ga re ga re sa 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 ni sa re ga re ni sa re ga ga re re ga ga re re ga ga re re sa ni sa re ga ga re re ga ga re pa sa re ga ga re re ga ga re re ga ga re re sa ni sa re ga ga re re ga ga re re sa swarn sushobhit aasan par mah mat pita ko sa 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 ni sa re ga re ni sa 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 ni sa re ga re ga re ga re sa 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 ni sa re ga re ni sa re ga ga re re ga ga re re ga ga re re sa ni sa re ga ga re re ga ga re pa sa re ga ga re re ga ga re re ga ga re re sa ni sa re ga ga re re ga ga re sa 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 ni sa re ga re sa 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 ni sa re ga re ni sa 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 ni sa re ga re ga re gare sa 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 ni sa re ga re ni sa re ga ga re re ga ga re re ga ga re re sa ni sa re ga ga re re ga ga re pa sa re ga ga re re ga ga re re ga ga re re sa ni sa re ga ga re re ga ga re re sa abhi abhi aapne kaha ki jaldi hi ye rashtriya mantra pitru pujan divas ko aaj se mere hi maine united nations ko mail kiya hai sanyukt rashtra sangh ko ki ye duniya ka mantra pitru pujan divas विश्व में माता पिता को पूजा जाए ऐसी संस्कृति अगर किसी देश से है तो हिंदुस्तान है और इसलिए यही से ये संदेश जाना चाहिए। प्रतिवर्ष इसको मनाता हूँ और प्रतिवर्ष मेरे माता पिता तो शिरडी में रहते हैं, मैं तो चैनल के लिए दिल्ली में आया हूँ, करीब करीब प्रतिवर्ष मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन इस साल जा नहीं पाया तो मैंने कहा बापू जी के मंच पे जाएंगे तो माता पिता का पूजन हो ही जाएगा। मैं पत्रकार हूँ, दुनिया के कई केसेस का स्टडी करता हूँ, घटनाओं का करता हूँ, लेकिन शायद इतिहास में वर्तमान में और शायद भविष्य में भी विश्व की एकमात्र घटना है कि जिनके गुरु को इतने बड़े षड्यंत्र में इतने बड़े आरोप में जेल में डालने के बावजूद दुनिया भर में उनके लोग आज भी करोड़ों के संख्या में उनके संस्कारों का पालन करते हैं। बचपन से सामाजिक काम में जुटा हूँ, एक एक कार्यकर्ता खड़ा करने के लिए, संघर्ष करने वाला नागरिक खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये दुनिया के अंदर की बापूजी की जो घटना घटी है विश्व के अंदर की एकमात्र घटना है जिस घटना के एक झटके ने एक साथ कम से कम 2 करोड़ लोगों को कार्यकर्ता बना दिया। संघर्ष करना कर हमारे बापू का संकल्प है कि भारत जो है विश्व गुरु के रूप में बने, तो वैलेंटाइन डे को हमारे बापू की कृपा से मातृ-पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हमारे माता पिता के अंदर बैठे जो परमात्मा है वो हमारे ऊपर अपनी अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया, इतने अच्छे संस्कार मिलते हैं हमें बापू जी से और हम इतना खुश होते हैं उनको लेकर। अपने मम्मी पापा को पूजा करी हमने, इतना अच्छा फील हुआ, कहीं और ऐसा नहीं होता है, बापू जी के से ही तो संस्कार मिलते हैं हमें। उनकी पूजा करने से सभी का हो मन 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, ये संकल्प लेते हैं।
सब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वही सुना था वही देखा था और यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, एकदम नया आनंद की प्राप्ति हुई। सही लगा, गुरुदेव के प्रभु के प्रेम में मन रसमय हुआ, इससे ज्यादा गुरुदेव की और क्या कृपा चाहिए। विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो वैलेंटाइन डे के नाम से भटक जाते। बापू जैसे महान संत हमारे समाज को वापस अपनी वैदिक संस्कृति की ओर मोड़ रहे हैं और इस वैलेंटाइन डे का एक अनोखा रूप हमारे सामने लाए हैं पेरेंट्स वर्शिप डे, और बच्चों के मन में ऐसे भाव उमड़ के आते हैं कि वो जो अपनी गलतियाँ होते हैं वो आंसुओं की तरह बहा देते हैं और माँ का जो दिल है वो इतना दयालु है वो आशीर्वाद के रूप में जो बापू जी से हमें मिला है इतने अच्छे संस्कार वो हम अपने वाणी में बयान नहीं कर सकते। पूजा करके बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पर आके तो ऐसा लगा कि बस जैसे वैतरणी पार हो गई हो और बापू जी का ये संदेश कि मातृ पितृ पूजन दिवस ऐसा भाव विभोर किया बच्चे के साथ, ऐसा 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 प्रतीत हुआ, समझ लो कि हमारा ऐसा कोई ऐसा प्यार भरा संबंध जो हम पता ही नहीं था कि ऐसा कोई संबंध होता है, आज पता चला कि बच्चे के साथ क्या माँ बाप का प्यार का संबंध होता है। आज उस प्यार के संबंध को बच्चे ने भी फील किया, हमने भी फील किया। मातृ पितृ पूजन जो हम पढ़ते थे कि गणेश जी ने किया वो अपनी आंखों से देख लिया, सही में दिल से सर ऐसा दिया है कि बच्चे का भविष्य उज्ज्वल नहीं उज्ज्वल होगा, उनके संस्कारों का सिंचन बापू ने इतना अच्छी तरह से प्रेरणा दी है। होती संस्कृति को जीवंत करने का जितना श्रेय हम गुरु जी को देंगे उतना ही कम है। सभी का हो मन पावन उनकी मुस्कान, मातृ पितृ पूजन दिवस को मना रहे हैं, एक ऐसा विकल्प दिया है पूज्य बापू जी ने इस देश के युवाओं को, पूरे विश्व के युवाओं को, जो युवा वैलेंटाइन डे के निमित्त गलत आदतों के कुसंस्कारों में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, ऐसे युवाओं को गुरु पूज्य बापू जी ने ऐसा संदेश दिया है 14 फरवरी के दिन कि वो अपने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर अपने आप को अपने आप को चरित्रार्थ करें। ममता की मूरत है, बाकी सब पूजा में तो क्षमा याचना अनिवार्य होती है, पर मैं जहाँ जहाँ माता पिता पूजन करवाती हूँ ना वहाँ बच्चे इतने कई बार छोटे होते हैं तो माता पिता उनको उंगली पकड़ के परिक्रमा कर, तो जैसे पूजा की थाली है ना तो दिया तो बाद में चला, बच्चे ने पहले पेड़ा खा लिया, तो मैंने देखा ये क्या हुआ, तो उसकी माँ बोली ये पेड़ा खाएगा तो ही पूजा करेगा, मैंने कहा फिर आप देख लो आपको चलेगा, इसका मुंह झूठा हो गया, क्योंकि पेड़ा खाएगा तो ही पूजा करेगा, मैंने कहा फिर बहन जी आप ही संभालो, कहाँ से मैं संभालूँगा, ये अनंत कृपा है ईश्वर की, जैसे माँ ही अपने बच्चों को संभाल सकती है वैसे गुरु ही अपने शिष्यों को संभाल सकते हैं। आसन पर मैं मात पिता को बिठाऊं।
की